हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, कई हफ्तों पहले मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि बड़े अच्छे लगते हैं सीजन टू में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, यानी कि जनरेशन लीप आने जा रहा है, जिसके बाद नकुल मेहता और दिशा परमार सीरियल को क्विट कर देंगे। तो ये मैंने काफ़ी देर पहले ही बता दिया था। और अब जब सीरियल में एक्चुअल में जनरेशन लीप लिया जाने वाला है और नकुल मेहता और दिशा परमार शो को कर चुके हैं क्विट, और आइए जान लेते हैं इन दोनों का क्या कहना है शो को क्विट करने पर। तो नकुल मेहता का पहले तो ये कहना है, नकुल मेहता ये कहते हैं कि पहले जब ये सीरियल के लिए उन्होंने साइन किया था तो उस टाइम पर काफ़ी डाउट्स थे इनको, बिकॉज ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक था इसका सीजन वन, और उस सीरियल को फिर से रिक्रिएट करना था नए एक्टर्स के साथ, तो उन्हें डाउट्स थे। लेकिन फैंस ने स्टिल उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और उन्हें भी राम का करेक्टर प्ले करके काफ़ी मज़ा आया, क्रिएटिवली भी और वैसे भी सेट पे एक्सपीरियंस वगैरह उनका काफ़ी अच्छा रहा। नकुल मेहता का ये कहना है कि वो अपने हिसाब से अपना सब कुछ दे चुके मेकर्स को भी और ऑडियंस को भी पिछले 18 महीनों में। उनका ये कहना है कि अब आगे इस सीरियल में कुछ भी वो और नया लेकर नहीं आ सकते और वो राम के करेक्टर को प्ले करना मिस ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि आदमी को पता होना चाहिए कब जाने का टाइम है, और उनके हिसाब से अभी सीरियल से उनके जाने का टाइम आ गया है, यानी कि सीरियल को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। उनका ये भी कहना है कि वैसे तो वो इस सीरियल का हिस्सा स्टिल रह सकते थे, उनको ऑडियंस से प्यार वगैरह सब मिल रहा था, लेकिन वो पसंद करते हैं अपने आप को चैलेंज करना और अब किसी नए प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ड्स बोलकर उन्होंने अपनी जर्नी सीरियल में एंड करी। अब हम बात करें दिशा परमार की, जो कि सीरियल में प्रिया का रोल प्ले किया करती थी। तो गाइस, दिशा परमार का ये कहना है कि सीरियल में पहले भी जब लीप लिया गया था और मेकर्स ने जब उन्हें बताया था कि हम लीप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो दिशा परमार रेडी नहीं थी लीप के लिए कि वो 5 साल की बच्ची की मदर का रोल प्ले करना चाहेंगी या फिर नहीं। लेकिन फिर मेकर्स ने उन्होंने स्टोरी वगैरह समझाई और दिशा परमार को पता चला कि स्टोरी एक्चुअली में एक्साइटिंग है और इंटरेस्टिंग है, तो इसी करके वो एग्री कर गई थी लीप में मदर का रोल भी प्ले करने के लिए। लेकिन उसके बाद अब जब जनरेशन लीप आ रहा है, जो कि 20 साल का लीप है, वो तो बहुत ही बड़ा टाइम जंप है, और स्टिल जो मेकर्स हैं उन्होंने स्टिल बहुत ट्राई किया कि नकुल मेहता और दिशा परमार को वो रखवा लें सीरियल में, स्टिल उनके साथ कंटिन्यू करें, लेकिन दिशा परमार ने अब नो कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने इस करके किया बिकॉज दिशा परमार कहती हैं कि उनके हिसाब से वो अपना बेस्ट दे चुकी हैं इस सीरियल में और अब टाइम है इस सीरियल से मूव ऑन करने का। तो काफ़ी टाइम ऐसा भी था कि वो खुश नहीं थी अपने करेक्टर के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो खुश रही हैं और काफ़ी इन्जॉय करा है उन्होंने प्रिया का करेक्टर प्ले करते हुए इस सेट पे। तो उन्होंने ये कहा कि वो ये नहीं कहेंगी वो सीरियल को क्विट कर रही हैं, वो ये कहेंगी कि वो नए बिगिनिंग्स को एक्सप्लोर करने जा रही हैं, यानी कि नए प्रोजेक्ट्स वगैरह एक्सप्लोर करने इस सीरियल से मूव ऑन कर रही हैं। तो दोनों ही मेन लीड्स ने यही कहा है कि ये जो एक सीरियल है, इसका एक्सपीरियंस वगैरह सब उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा और अब टाइम आ गया है इस सीरियल से मूव ऑन करने का, नई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को एक्सप्लोर करने का, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी तरफ से सही है, जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया था काफ़ी हफ्ते पहले कि वो 20 साल के जनरेशन लीप के बाद बूढ़े वर्जन प्ले नहीं करना चाहते अपने करेक्टर्स के। मेन रीज़न तो ये है, ऑब्वियसली कोई भी एक्टर प्ले करना नहीं चाहता होता, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरेशन लीप के बाद आपको मेन लीड्स चेंज होते हुए नज़र आते होते हैं। तो मेकर्स ने काफ़ी ट्राई किया कि वो इन दोनों को कंटिन्यू करवा पाएँ, लेकिन इन्होंने एग्री नहीं किया। तो ये थे इन्होंने इनकी स्टेटमेंट्स शो को एग्जिट करने पर। कमेंट सेक्शन में राय बताइए अपनी, आप मिस करेंगे इन्हें या फिर नहीं, और सीरियल को स्टिल देखेंगे या फिर नहीं नई कास्ट के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बड़े अच्छे लगते हैं टू के फैंस के साथ। सारी लेटेस्ट अपकमिंग सोनी टीवी की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपकमिंग सोनी टीवी की न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।